हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश्वर क्लासेस। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ टू यूज़ अ गेट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वे फॉर यूजिंग टू गेट लाइक दैट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं गेट का यूज़। हम कितने प्रकार से गेट का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस कंडीशन में हम गेट का यूज़ करते हैं सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज मॉडर्न जनरेशन में हम देख रहे हैं कि गेट का यूज़ कई प्रकार से किया जा रहा है, जिसमें से आज हम इन सभी यूज़ के बारे में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ टू फर्स्ट एग्जाम्पल विद मीनिंग। गेट अबाउट घूमना, इधर उधर जाना। इनका यूज़ हम बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे बहुत से लोग बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई काम भी नहीं होता। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा घूमते रहता है, उनके पास कोई काम ही नहीं होता। इस कंडीशन में मैं इस सेंटेंस का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे गेट अबाउट घूमना, इधर उधर जाना। एज एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गेटिंग अबाउट अगेन एंड अगेन। वह बार बार इधर उधर घूम रहा है। He is getting about again and again. वह बार बार इधर उधर घूम रहा है। तब के कंडीशन में सेंटेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस मीन्स होता है समझना। गेट अक्रॉस मीन्स होता है समझना, मीन्स किसी की बातों को समझने का कोशिश करना। चलो एग्जांपल समझते हैं। मेरा दोस्त है, मुझे कुछ कहने का कोशिश कर रहा था, पर मैं उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार कुछ समय बाद मैं उनकी पूरी बातों को समझ गया। जैसे एग्जांपल लाइक दैट, एज अ एट लीस्ट आई वाज एबल टू अक्रॉस हिज पॉइंट। मैं उनकी बातों को कम से कम समझ ही गया। At least I was able to across his point. मैं उनकी बातों को कम से कम समझ गया था। Get ahead. Next part of get ahead. प्रगति करना, आगे बढ़ना, आगे निकल जाना। मीन्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ना या स्टडी वगैरह में आगे बढ़ना। दोस्तों, चलिए इसे कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, उनमें से एक ने हमेशा अपनी स्टडी में फोकस करता था एंड सेकेंड ने हमेशा इंजॉय इंटरटेनमेंट में फोकस करता था। पहले वाला दोस्त फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया और उनकी जॉब लगी, लेकिन दूसरा उसका जो फ्रेंड फेल हो गया और वह रोता रहा। As example, unless you work hard, how will you get ahead of others in studies? यदि तुम पढ़ाई में तेज रहोगे, work hard करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तो तुम दूसरों से आसानी से पढ़ाई में आगे निकल सकते हो। आगे बढ़ना, आगे निकलना, get ahead of। Get along with, घुल मिलकर रहना, दोस्ती रखना। एक लड़की थी जो सभी से घुल मिलकर रहती थी और हमेशा खुश रहती थी। सेकंड वर्ड्स में कहा जाए तो हम उसे फ्रैंकली भी बोलते हैं, जो खुलकर अपनी बातों को कहना, सभी से समझ, सभी के सामने बोलना। ये गेट अलॉन्ग विद का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल, सी केम हाईली सोशियबल and can get along with everybody. बहुत ही सोशियबल लड़की थी और वह सभी के साथ लंबे समय तक वैसे ही रहना चाहती थी। Get around means होता है टालना। जैसे a lazy person, जो हमेशा काम को टालते रहता है, ऐसे लोग जब भी कोई काम की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो अपना काम नहीं करते और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तब की कंडीशन में हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। गेट अराउंड मीन्स होता है टालना। ही इज ट्राइंग टू गेट अराउंड द हार्ड वर्क। वो कड़ी मेहनत करने से बचने का कोशिश कर रहा था।
वह कड़ी मेहनत करने से बचने का कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ गेट इट। गेट इट मीन्स होता है प्रयास से प्राप्त करना, कोई भी चीज को प्रयास से अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना, तब की कंडीशन में हम गेट इट का प्रयास गेट इट का यूज करते हैं प्रयास से प्राप्त करने के लिए। जैसे एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ अ रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो पुलिस की तैयारी कर रहा था, वह रोज 5 किलोमीटर रन करता था और आखिरकार उसे ने पुलिस की जॉब अचीव कर ही लिया। एज एग्जाम्पल, ही हैज गॉट अ पुलिस जॉब, वह पुलिस का जॉब प्राप्त कर लिया या उसे पुलिस का जॉब मिल गया। गेट अवे विद, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ गेट अवे विद, निकल कर भागना। जैसे हम अक्सर रोज स्कूल जाया तो करते थे,